मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव के मद्देनजर नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला भी अब लगातार जारी है। इसी कड़ी में रविवार को नवरात्रि के प्रथम दिन कटनी जिले के बजरावगढ़ विधानसभा से कद्दावर नेता गणेश राव कैमोर ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। गणेश राव के इस्तीफा देने के बाद सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चा तैर रही है और कयास लगाए जा रहे हैं कि वो टिकट कांग्रेस के चुनाव से लड़ सकते हैं, कांग्रेस उनको टिकट दे सकती है। फिलहाल उन्होंने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं। गणेश राव ने इस्तीफे के बाद बीजेपी पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया। बहुत बड़े व्यक्ति है, पाठक जी जो सोचते हैं वो कभी बताते नहीं है। उनकी अपनी विधायक काम करने की, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में था, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी थी, कार्यकर्ता आधारित पार्टी, संगठन और सत्ता पैरेलल से काम करते थे, संगठन का भी महत्व हुआ करता था। लेकिन आज मैं देख पा रहा हूँ कि संगठन और सत्ता एक जगह है और वहाँ से ही संगठन संचालित होता है, जिससे पुराने सक्रिय और जिम्मेदार लोगों को बड़ा असहज महसूस होता है, ऐसा मैंने महसूस किया।